औद्योगिक क्षेत्र वद्दी के ब्रोटीवाला में एक पेपर मिल में दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है, जहां पेपर मिल में काम करने वाले एक मजदूर की वेस्ट मटेरियल को प्रेस करने वाली मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान महेश कुमार उमर 45 साल गांव शंभूपुर पोस्ट ऑफिस गाजी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मृतक महेश कुमार पिछले 15 वर्षों से ब्रोटीवाला में ही एक अन्य निजी कंपनी में काम करता था और इस पेपर मिल में 25 दिन पहले ही काम पर आया था। मृतक अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। मृतक महेश कुमार के भाई ने बताया कि वे रोज की तरह सुबह 8 बजे काम पर आया था। वे वेस्ट मटेरियल मशीन पर काम करता था और इस मशीन पर और 3 लोग काम करते थे, जिनमें महेश गत्ते को पिट में डालता था और गत्ते को पिट में डालते समय वे अचानक मशीन की चपेट में आ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। सर, वो मेरा बड़ा भाई था और उनका नाम महेश कुमार था। तो आज रात वो ड्यूटी पे आए तो उसके अंदर जो उनका ब्लोरो चलता है उसके अंदर गिर के उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे तो सेफ्टी मेरे को बिल्कुल ना के बराबर लगती है। एक पाइप लगा हुआ वो भी बिल्कुल घुटनों से नीचे है सर, वो तो सेफ्टी नहीं हो सकती। अभी सर उनसे तो अभी कोई बात नहीं हुई, अंदर पुलिस वाले आए हुए हैं तो वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और उनको मेरे ख्याल से 20-25 दिन हुए सर। उससे पहले सर वो किसी और कंपनी में काम करते थे। उनकी 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी, उनके लिए कंपनी के जो मालिक हैं उनके लिए कुछ करें या पेंशन लगवा दें उनकी लड़कियों की शादी के लिए कुछ। कंपनी प्रबंधन और सरकार एवं प्रशासन से मृतक के परिजनों ने जहां इंसाफ की मांग उठाई है, वहीं आर्थिक मदद की भी कंपनी प्रबंधन से गुहार लगाई गई है ताकि मृतक के परिवार का पालन पोषण हो सके। का नाम है, थोड़ी देर पहले ही आया था हमारे पास, कुछ टाइम पहले ही। यूपी का रहने वाला है वैसे। बार रात को काम कर रहा था, कहीं एक्सीडेंट में है, पलपर होता है हमारा, उसमें स्लिप कर गया, गिर गया। ठेकेदार का बंदा था ये, नाम ब्रदर दिमाग से निकल गया। अभी होता जी क्योंकि वो पुलिस वाले वो फॉरेस्ट वाले बैठे हैं, वो कोई गल नहीं, 1-2 घंटे तक आ जाना सारा दिन। तो पिछले 10 साल तो चल रही है, जो कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती पहला होंगे प्रूफ पूरे ने सुरक्षा के पूरे किए हुए हैं। नहीं भैया ये क्यों नहीं, रात लेडी आई ने और हाँ रात को ही आई ने, सुबह कैसे? मैं ब्रदर वही कह रहा हूँ, हमारे क्योंकि हम तो जानते नहीं उनका फैमिली मेंबर कौन है, वो तो रात के ही आए हुए हैं इधर। हाँ पुलिस वाले को ही पता है उनके होते ही आए थे। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी वद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि एक पेपर मिल में वेस्ट मटेरियल को प्रेस करने वाली मशीन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई है, जिसको लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ सिविल अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही असल कारण साफ होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने विभिन्न विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगामी जाँच शुरू कर दी है और पुलिस हर पहलू से जाँच कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में एक मजदूर की मृत्यु हो गई है, जिस पे जो है पुलिस भी मौके पर पहुंची। मैं स्वयं भी मौके पर गया था, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी स्पॉट पे आए थे, तो पाया गया कि एक पेपर मिल है। पेपर मिल में जो इनका जो पल्पर एक मशीन होती है उस पे जो मजदूर 3 मजदूर काम कर रहे थे, एक उसमें वेस्ट मटेरियल जो था वो डाल रहा था और 2 मजदूर जो थे वो जो वेस्ट मटेरियल था उसको ला के वहाँ तक पल्पर मशीन तक ला रहे थे। तो उन्होंने पाया कि एक मजदूर जो था वो काफ़ी देर से उनको दिखा नहीं, तो उन्होंने जब उसको पल्पर मशीन के उस वेल को चेक किया तो उनको पाया कि उसके कपड़े उसको उनको वहाँ पे दिख रहे थे। बाद में जब उस मशीन को रोका गया और CCTV फुटेज को चेक किया गया तो ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति की उसमें पल्पर में गिरने से मौत हो गई है। तो पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है और आगामी छानबीन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट बद्दी।